काइनेमेटिक्स चलो तो आज से स्टार्ट अपना फिर से काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 5 ग्राफ में। अब देखो यहाँ से इसका कुछ कैलकुलस वाला पार्ट होता है काइनेमेटिक्स का, जो अपन ने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो सब पढ़ा था, है ना। तो उसी से रिलेट करते हैं अपन चीजों को। तो हाँ, कैलकुलस कंप्लीट हो गया है, बट काइनेमेटिक्स में उसका यूज है, उसको देख लेते हैं। कैलकुलस में ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4 वो इसी का है, काइनेमेटिक्स का ही है। कैलकुलस कंप्लीट हो चुका है तो उसको एक बार समझते हैं। 1D मोशन का कुछ फॉर्मूला था, बताया था कि कैलकुलस से डिराइव करूंगा तो यहाँ पे आएगा। मान लो यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये डिस्टेंस है, मान लिया इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, ये t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, t इक्वल्स टू t पे यहाँ पे है, और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है u a से। तो आप यहाँ से क्या लिखते हैं, a इक्वल्स टू किसी भी टाइम पे तो dv बाई dt हो जाता है। a इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई dt। तो आप इसको क्या लिखेंगे, a dt को इस साइड लाइए और इसको लिख दीजिए dv, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, एक साइन लगाना पड़ेगा आपको दोनों साइड, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, a कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये dt हो जाएगा, ये dv है। तो देखो जब t की वैल्यू 0 है, यहाँ पे t वेरिएबल है, यहाँ पे v वेरिएबल है, जब t की वैल्यू 0 है तो वहां पे v की वैल्यू क्या है, u। जब t की वैल्यू t होगी इस इंस्टेंट पे v की वैल्यू क्या है, v है, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a ये हो जाएगा t 0 और ये t हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, v, ये हो जाएगा v और ये है u। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू t, ये हो जाएगा हायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस u। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी v इक्वल्स टू, इसको इस साइड लाइए तो u प्लस ए टी। तो पहला फॉर्मूला यहाँ से डेराइव होगा, पहला फॉर्मूला यहाँ से डेराइव होगा, तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी हो जाएगा, है ना। अब सेकेंड फॉर्मूला देखिए, a इक्वल्स टू क्या लिखते थे, dv बाई dt। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू dv बाई dx इंटू dx बाई dt इंटू dx बाई dt, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। dx से डिवाइड किया, dx से मल्टीप्लाई किया, चेन रूल। तो यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a dx बाई dt क्या हो जाएगा, v। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, v dv बाई dx, कैसे लिख दीजिए, v dv by dx, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, a equals to, तो आप a को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से, a dv by dt भी लिखते हैं या इसको आप v dv by dx भी लिखेंगे, है ना। बट एक चीज समझ लिए, फिर फॉर्मूला मैं डिराइव करूंगा, एक मिनट रुको, देख लो क्या डाउट से पूछ लो, एक मिनट। a इक्वल्स टू dv बाय dt, इसको dx से डिवाइड किया, dx से मल्टीप्लाई किया, चेन रूल लगा दिया, तो dx बाय dt क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, dv बाय dx, dv बाय dx हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, dv by dt, और इसको क्या लिख सकते हैं, v dv by dx। समझो इन दोनों फॉर्मूला का कब यूज करेंगे, देखो या तो a फंक्शन हो किसका, a इज अ फंक्शन ऑफ t, और v इज अ फंक्शन ऑफ t, तब इस केस में क्या लिखेंगे आप, a इक्वल्स टू dv by dt। क्या होगा, कब यूज करना है, when a इज अ फंक्शन ऑफ t और v इज अ फंक्शन ऑफ t, then in that case a would be dv by dt। अगर a है, a is a function of x और a is a function of, a is a function of x रहेगा, बाकी तो देख के समझ में आएगा क्या है, तब उस केस में आपको यूज करना है या ऐसा, और v is a function of x,
v is a function of x, तब उस केस में आपको क्या यूज करना है, a equals to v dv by dx, क्या यूज करना है, a equals to v dv by dx, है ना, ये समझ में आया, कब कब a equals to dv by dt लिखेंगे आप, कब a equals to v dv by dx लिखेंगे, जब a is a function of t और v is a function of t, then in that case a equals to dv by dt, when a is a function of x or v is a function of x, then in that case a equals to v dv by dx, v dv by dx. अब यहां से देखिए, अब आपको मैं ऐसा लिखता हूं, मुझे डिस्टेंस का कुछ फॉर्मूला चाहिए, तो a dv by dx लिख दिया, तो a तो कांस्टेंट है, इसको इस साइड लाओ, पहले देखो एक वाले यहां पे v dv है, तो v वाले टर्म को एक साइड, बाकी दूसरे टर्म को एक साइड, तो v वाला टर्म एक साइड आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, जो v वाला टर्म होगा वो एक साइड होगा, अगर कोई x होता तो सब x के टर्म्स को एक साथ लिखते, x वाले को इस साइड लिख दिया, a तो कांस्टेंट है अपना, यहाँ पे 1D मोशन है ना, और v dv, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो a कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, 1D का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ये dx हो जाएगा, ये v dv हो जाएगा, देखो अब जब x की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू u थी, जब x की वैल्यू s है तो ये वैल्यू v हो गई, तो यहां से क्या आएगा, a dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x 0 टू s, ये हो जाएगा v square by 2, क्या हो जाएगा v square by 2, तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा u, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, a ये हो जाएगा s minus 0, ये हो जाएगा v square minus u square by 2, तो 2 को इस साइड लाओ, तो 2as equals to v square minus u square, ये इस साइड आएगा, तो यहां से क्या फॉर्मूला आ गया आपका, यहां से आ गया v square equals to u square plus 2s, तो दूसरा फॉर्मूला यहां से डेराइव हो गया, दूसरा फॉर्मूला यहां से डेराइव हो गया, ठीक है, अब देखो थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, थर्ड फॉर्मूला तुम पे छोड़ देता हूं, एक बार तुम एक बार ट्राई करो कि तुमसे ये डिराइव होता है या नहीं होता है, s equals to ut plus half at square, है ना, एक बार देखिए आपसे ये वाला फॉर्मूला डिराइव होगा या नहीं होगा, आई बात समझ में, अरे यार तुम बिल्कुल, एक मिनट रुको, नहीं सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारा कोई फ्रेंड ही होगा ना उसको लिंक देता होगा, सबसे बड़ा टेंशन ये है, उसको इतना जब समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दूसरे को क्या बोलना है ना, तो यहां से इस फॉर्मूला को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां से अभी आपका फॉर्मूला क्या आया, v इक्वल्स टू u प्लस at, क्या आया फॉर्मूला, v इक्वल्स टू, एक मिनट रुको यार कौन है, बोलिए अनम्यूट किया, बोलो क्या है, अरे बोलो तो अनम्यूट किया, अब क्या करूं मैं, तो v की वैल्यू क्या है, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे आप, dx by dt equals to क्या जाएगा, v u plus at, अरे अनम्यूट क्या यार तुमको, इतना क्या तुम खुद से, अब अरे मेरे भाई तुमको बोलना भी है कुछ, मत बोलो यार छोड़ो, dx by dt equals to u plus at हो जाएगा, है ना, तो यहां से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, u plus at into dt,
यू प्लस ए टी इंटू डी टी हो जाएगा, है ना। तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आप ये कैसे होएगा, तो dx इक्वल्स टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना, इंटीग्रेट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसको एक बार लिख देता हूं मैं, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, u कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, a कांस्टेंट है, बार कर दो t dt। देखो जब ये वैल्यू जीरो है इनिशियली, जब t इक्वल्स टू जीरो ये वैल्यू क्या है, जीरो है, जब इसकी वैल्यू s होगी तो ये वैल्यू, तो यहां से क्या आ जाएगा, x हो जाएगा जीरो टू s, ये क्या आ जाएगा u t जीरो टू t प्लस a t स्क्वायर बाय टू जीरो टू t, है ना। तो यहां से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, s माइनस जीरो इक्वल्स टू u इंटू t माइनस जीरो प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। S की वैल्यू क्या हो जाएगी, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से थर्ड फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे, यहाँ से थर्ड फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे, है ना। अब इसका क्या यूज है, इस ये फॉर्मूला तो अपन ने अप्लाई कर लिया, अब इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का क्या काइनेमेटिक्स में यूज है वो देखते हैं। समझो यहाँ पे, तो जब देखो यहाँ पे x किसका फंक्शन है, x इज अ फंक्शन ऑफ t, अभी 1D पढ़ रहे हैं, 1D मोशन, तो 1D मोशन मतलब x डायरेक्शन को ही कंसिडर कर रहे हैं, y भी हो सकता है z भी हो सकता है ना। यहाँ पे लिख देता हूं 1D मोशन, 1D है, तो आपको x इज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, x क्या है, फंक्शन ऑफ t, तो आपको वेलोसिटी कैसे फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा dx by dt। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है, तो v dv by dv by dt, dv by dt, है ना, ऐसे फाइंड करेंगे। अब देखो सपोज ये गिवन है, ये तो गिवन है इसमें, इस केस में मैं सेकेंड बता रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऐसे यहां से इस साइड आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ रहा है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, है ना। अगर पोजीशन गिवन है, वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो आपको डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर ये गिवन है, आपको एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टी, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टी, लैग नहीं करना चाहिए, ठीक है, नेट अच्छा चल रहा है अभी, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टी। इस केस में आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो आपको पता है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो ए क्या है आपका, ए क्या होता है, डीवी बाई डी टी, ए क्या होता है, डीवी बाई डी टी, ये फंक्शन ऑफ टी हो जाएगा। तो इस केस में आप डीवी को कैसे लिखेंगे, एफ डी टी, ये डी टी आ जाएगा, मतलब आपको इंटीग्रेट करना है, आपको क्या करना है, इंटीग्रेट, यहां से आपको कुछ फंक्शन मिलेगा एफ जी टी प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट मान लिया, है ना। फिर यहां से अगर आपको पोजिशन फाइंड करना है, तो वी को क्या लिखेंगे, dx by dt, dx by dt, तो ये हो जाएगा gt plus c है ये, इसको इस साइड लाओ, तो फिर से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो gt plus c into dt, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट, कुछ नया फंक्शन आ गया, तो ht plus ct plus कुछ कांस्टेंट है k मान लिया, मतलब ये हुआ कि अगर ये गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, आपको वेलोसिटी फाइंड करना है और वेलोसिटी से पोजीशन फाइंड करना है, तो जब आप एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेलोसिटी से पोजीशन फाइंड करेंगे, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन, ए क्या है, टाइम का फंक्शन है ना, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन यूज होगा। अगर पोजीशन गिवन होता, वेलोसिटी फाइंड करना होता, एक्सेलरेशन फाइंड करना होता, तो आपको डिफरेंशिएशन करना होता,
है ना, बट इफ एक्सेलरेशन इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी और एक्स समथिंग एंड यू हैव टू फाइंड पोजीशन, देन इन दैट केस यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन, देन यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा. ठीक है, अब यहीं से बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. बेसिकली आज का टॉपिक अपना यही रहने वाला है. तो मान लो पोजीशन गिवन है ऐसा, एक मिनट रुको मैं कुछ और बता देता हूँ फिर स्टार्ट करेंगे. 2D मोशन के बारे में भी थोड़ा सा यही इंटीग्रेशन वाला पार्ट देख लेते हैं. 2D मोशन तो उस केस में x, कोई भी x और y गिवन होगा, तो इस केस में आप vx फाइंड करेंगे ऐसे dx by dt और vy फाइंड करेंगे ऐसे dy by dt, है ना. या z होगा तो देख लेंगे, दो डायरेक्शन x और y कंसिडर कर रहे हैं, बस yz हो सकता है zx हो सकता है, yz हो सकता है zx हो सकता है. एक्सेलरेशन इस केस में कैसे फाइंड करेंगे, ax equals to dvx by dt और ay क्या हो जाएगा dvy by dt, dvy by dt, है ना. तो अगर आपको नेट एक्सेलरेशन या नेट वेलोसिटी फाइंड करना है तो इस केस में नेट एक्सेलरेशन या नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा वो समझ लीजिए एक बार, है ना. तो इस केस में नेट एक्सेलरेशन या नेट वेलोसिटी कैसे आएगा, तो देखो इस केस में नेट वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या आएगा, vx i cap प्लस vy j cap, है ना, ये आएगा. तो पहले आप vx फाइंड करेंगे फिर vy फाइंड करेंगे एंड मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, है ना. ऑल्सो एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा ax i cap प्लस ay j cap एंड मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा इक्वल्स टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. अगर ये 3D होता, 3D मोशन होता, तो 3D के केस में क्या देखते, पहले vx फाइंड करते कैसे, तो dx by dt से, dx by dt से. vy फाइंड कैसे करते, तो vy हो जाता dy by dt. vz कैसे फाइंड करते, तो ये हो जाता dz by dt. एक्सेलरेशन कैसे आता आपका, तो a dvx by dt. ay ये हो जाता dvy by dt. az ये हो जाता dvz by dt, है ना. तो यहां से वेलोसिटी क्या आ जाता, ये हो जाता vx i cap प्लस vy j cap प्लस vz k cap. एक्सेलरेशन क्या आ जाता, तो ax i cap प्लस ay j cap प्लस az k cap. आई बात समझ में, फिर से इसका मैग्नीट्यूड आ जाता, यहां से आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते तो v हो जाता अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर. एक्सेलरेशन से आ जाता है इसका मैग्नीट्यूड, एक या कितना जाता अंडर रूट ax स्क्वायर ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ऐसा हो जाता है ना. तो आप वेलोसिटी ऐसे फाइंड करते, एक्सेलरेशन ऐसे फाइंड करते. ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. कुछ सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. मान लो x दिया हुआ है, x दिया हुआ है सिर्फ, तो आपको समझ में आना चाहिए 1D मोशन है. x इज गिवन एस e क्यूब, ठीक है, वेट देख लीजिए आपको क्या देखना है. थ्री मोशन एनालाइज करो, सब हो जाएगा.
या vx इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, vy इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और vz भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, बट ये x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में. तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर नेट बोलेंगे तो नेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज दिस वन अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, है ना. ये किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी है. सपोज गिवन है x इक्वल्स टू t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, 3t मान लो, 3t प्लस 6. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, बिकम्स zero. Find the acceleration of particle when its velocity becomes zero. देख लेते हैं. तो सबसे पहले देखिए x क्या है, t का फंक्शन है. x किसका फंक्शन है, t का, है ना. x किसका फंक्शन है, t का. तो आपको क्या करना है कि अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो dx by dt हो जाएगा, dx by dt. तो d by dt t क्यूब माइनस 3t प्लस 6, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, 3t स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा. एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो पहले dv by dt कर लीजिए. ऐसा नहीं कि अरे सर वेलोसिटी जीरो है, यही v जीरो हो गया तो dv by dt तो जीरो हो जाएगा, dv by dt तो जीरो नहीं है ना. तो यहां से क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो d by dt v को पुट कर दिए तो 3t स्क्वायर माइनस 3, 3t स्क्वायर माइनस 3, है ना. तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आप देख लीजिए तो ये 3 हो जाएगा इंटू 2t, ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहां से 60 आएगा. क्या आएगा, 60. अब देखो क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो, है ना. तो वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा. नाउ v इक्वल्स टू जीरो, v इक्वल्स टू जीरो करने से टाइम की वैल्यू आएगी. किसकी वैल्यू आएगी, टाइम की. तो कितना आएगा, करेक्ट. तो 3t स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो, तो 3 हो जाएगा और ये t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा. तो 3 इस साइड आएगा तो जीरो हो जाएगा, t स्क्वायर है तो t प्लस 1 और t माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो. तो यहां से t की वैल्यू होगी माइनस 1 और 1. तो t इक्वल्स टू जो माइनस 1 है ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, टाइम कांट भी नेगेटिव. तो हेंस t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 सेकंड. मतलब जब t की वैल्यू 1 सेकंड होगी तो उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, सॉरी वेलोसिटी जीरो होगी. तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, a की वैल्यू कितनी है, 60. तो 60 की वैल्यू क्या है, 1 सेकंड. तो 1 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जिसको पहले, जिसने पहले किया होगा उसको आ रहा है, जिसको नहीं, जिसने पहले सॉल्व नहीं किया, समझ लीजिए एक बार. x की वैल्यू t का फंक्शन है तो वेलोसिटी ऐसे फाइंड करेंगे dx by dt से, फिर एक्सेलरेशन ऐसे फाइंड करेंगे dv by dt से. फिर अगर वेलोसिटी जीरो पूछा है तो वेलोसिटी को जीरो कर दिया. मतलब आपको पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो, तो वेलोसिटी को जब जीरो करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम, है ना. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम, आपको टाइम की वैल्यू मिलेगी. इनपुट द वैल्यू ऑफ टाइम इन गिवन एक्सप्रेशन ऑफ a, एक्सप्रेशन है उसमें आपको t की वैल्यू पुट कर देना है. तो आपका आंसर क्या आ गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मान लो x मीटर में है, टाइम सेकंड में है. दूसरा क्वेश्चन, पेज नंबर 7 ना, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, a इक्वल्स टू 2t प्लस 3, a इक्वल्स टू 2t प्लस 3. फाइंड फर्स्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, सेकेंड. फाइंड द पोजिशन ऑफ पार्टिकल, पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड.
गिवन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एट टी इक्वल्स टू जीरो इनिशियल वेलोसिटी इज 2 meters per second एंड इनिशियल पोजिशन इज एक्स इज जीरो गिवन है, ये गिवन है t equals to zero, u is 2 meters per second and x is zero, ठीक है, ऐसा गिवन। एक बार मैच करा लीजिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट वाला वेलोसिटी फाइंड करना, एक्सेलरेशन गिवन है तो 2t by ये इतना आ जाएगा, है ना। तो यहां से आप पहले dv by dt फाइंड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2t by 3, तो यहां से dv की वैल्यू क्या हो जाएगी 2t plus 3 dt। अब देखो यहां पे जब भी लिमिट्स पुट करेंगे ना, तो अगर आपको आगे क्वेश्चन में फाइंड करना है पोजीशन, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है पोजीशन, तो फर्स्ट आपको v को t का फंक्शन बनाना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर क्वेश्चन में आगे ये भी फाइंड करना है पोजीशन, तो ज्यादा बेटर है कि पहले आप ये फाइंड कर लीजिए कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड कर लीजिए। तो t इक्वल्स टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी 2 है, t इक्वल्स टू t मान लीजिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, तो यहाँ से आपको v t का फंक्शन आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर पोजिशन के बारे में बात नहीं किया आगे, तो डायरेक्ट आप t इक्वल्स टू यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, तब उसके इसमें डायरेक्ट आप यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 पुट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v, ये हो जाएगा 2 और v हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए तो t 0 टू t dt प्लस 3 कांस्टेंट बार हो जाएगा dt 0 टू t, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको v माइनस 2 हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा 0 टू t, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू t 0 टू t। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ गई, ये साइड आएगा तो 2 प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 3t। तो ये आपने फंक्शन फाइंड कर लिया वेलोसिटी का। ये क्यों फाइंड किया, क्योंकि आगे यूज होगा। अगर मुझे सिर्फ वेलोसिटी फाइंड करना होता ना, आगे क्वेश्चन में पोजीशन गिवन नहीं होता, तो मैं यहीं पे 2 पुट कर देता, है ना। तो अब एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक मिनट रुको पेन गया, 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6, तो आंसर 12 meters per second आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर कितना आएगा 12 meters per second। अब सेकंड देख लेते हैं, t स्क्वायर सेकंड क्वेश्चन देख लेते क्या दिया है। तो v क्या है यार, तो ये कितना आता है v स्क्वायर इक्वल्स टू 3t। If limits given नहीं होगा, then you will get the value of v as a function of t plus some constant c. If limits are not given, then in that case you will get velocity as a function of t plus some constant c. Plus some constant c, है ना? देख लीजिए क्या है, किसको कहां पे क्या नहीं समझा, कुछ भी डाउट्स है क्लियर कीजिए अपना डाउट्स। नहीं नहीं कुछ गिवन नहीं है सी, ये कंडीशन से आया ना, ये पुट किया ना अपन ने लिमिट्स, ये 2 जो है लिमिट्स पुट किया तब आया ना ये 2, ये सब पुट कर दिया ना 0 टू t, है ना। देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन में गिवन है, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। तो a को क्या लिखेंगे, dv बाई dt 2t प्लस 3। क्यों लिखा dv by dt, क्योंकि velocity find करना है, तो dv इस side हो जाएगा, 2t plus 3 ये dt इस side आ जाएगा। अब इसको क्या किया, देखो आपको आगे जो है question में ये भी बोला गया है, you have to find the position of particle, तो ज़्यादा better क्या है कि आप पहले v को t का function बना लीजिए, तो इसीलिए limit t equals to 0 पे initial velocity 2 है, तो 2 लिख दिया, और किसी भी time t पे इसकी velocity को v लिख दिया। अगर question में सिर्फ velocity पूछा जाता, आगे वाले question में position नहीं पूछा जाता, तो मैं यहाँ पे t पुट नहीं करता, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट 2 पुट कर देता t इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो यहाँ से dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट v, ये 2 कांस्टेंट बार t dt प्लस 3 कांस्टेंट बार dt,
इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, टू टू कैंसल आउट हो जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस थ्री टी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा वी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टू हो जाएगा, तो ये इस साइड आएगा, तो वी इक्वल्स टू टू प्लस टी स्क्वायर प्लस थ्री टी। अब एट टी इक्वल्स टू टू सेकंड वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे वी की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू, अब मुझे पोजिशन फाइंड करना है तो क्या लिखना पड़ेगा डीएक्स बाई डी टी, डीएक्स बाय डी टी ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 आ गया इंटू डी टी, इंटू डी टी है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, अब देखो यहां पे मुझे t का फंक्शन नहीं चाहिए ना, तो 0 t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू 0 गिवन है, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे x चाहिए, तो x ऐसे लिखेंगे आप, तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 टू x, ये वैल्यू हो जाएगी t क्यूब बाय 3 प्लस 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस टू टी है ना, जीरो लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट वन, तो ये कितना आ जाएगा आपका एक्स माइनस जीरो, ये कितना हो जाएगा वन बाई थ्री टी क्यूब, तो वन क्यूब माइनस जीरो क्यूब प्लस थ्री बाई टू, ये कितना हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर प्लस टू इंटू वन माइनस जीरो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स इक्वल्स टू वन बाई थ्री प्लस थ्री बाई टू प्लस टू, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको ये सिक्स है, ये टू आ जाएगा, नाइन हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा है ना, तो 23/6 मीटर। हाँ सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सब गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलोसिटी दिया हुआ है, ये ऐसा दिया हुआ है 2t-6, फाइन डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टू सेकेंड्स या फर्स्ट टू सेकेंड्स, इन फर्स्ट टू सेकेंड्स, चलेगा चलेगा कुछ में भी लिख दो चलेगा। v क्या दिया हुआ, velocity is a function given as velocity is a function of t, आपको क्या find करना, find the distance covered by particle, find the distance covered by particle in first 2 seconds, in first 2 seconds, एट आ रहा है, देख लेते हैं कितना आ रहा है, हो सकता है एट हो सकता है, पता थोड़ी कि एट होगा या नहीं होगा, हो सकता है। सबका एट आ रहा है मतलब आंसर सही, देख लो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो वी की वैल्यू क्या है 2t/6, क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा गया है ना, क्या पूछा गया डिस्टेंस, जब भी डिस्टेंस पूछा जाए क्वेश्चन में एक बार आपको वेलोसिटी को चेक करना है कि गिवन टाइम में वेलोसिटी तो जीरो नहीं हो रही है, पहले आपको क्या फाइंड करना था फर्स्ट टू सेकेंड में फाइंड करना है, तो फर्स्ट टू सेकेंड में वेलोसिटी जीरो नहीं होता, एक बार चेक करना पड़ेगा, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वेलोसिटी कब जीरो हो रही है, तो यहाँ से 2t-6=0 तो टी की वैल्यू 3 हो जा रही है, 3 सेकेंड में जीरो होगी मतलब ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा, अपने को ज्यादा टेंशन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा है ना, क्योंकि t इक्वल्स टू 3 सेकंड है, तो यहां से मान लो मूव करना स्टार्ट किया है, t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, अपने को कितना चाहिए
टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक का डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक का एक्स या एस जो बोलना है बोल दीजिए, ये डिस्टेंस चाहिए आपको, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है ना। तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या है, पेज नंबर 2t minus 6। ध्यान से तो v की वैल्यू क्या है, v equals to, यस यस देखना ही है, कंपलसरी है, कब, when you have to find the distance traveled by particle, when you have to find the distance traveled by particle, उस केस में तो v क्या है आपका 2t minus 6, v क्या है आपका 2t minus 6, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, dx/dt, ये हो जाएगा आपका 2t minus 6, ये हो जाएगा dx 2t minus 6 into dt, है ना, इंटीग्रेट कर देते हैं, जीरो पे इसको x1 मान लो, कुछ मान लो, यस यस यस, अगर क्वेश्चन में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा देन देयर इज नो नीड टू चेक द वेलोसिटी बिकम जीरो एट व्हिच टाइम या at t इक्वल्स टू व्हाट, तो at t इक्वल्स टू जीरो लेट्स से पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x1 और जीरो, कुछ भी मान सकते हैं उससे कोई टेंशन नहीं है अपने को, बिकॉज यहाँ पे सिंस पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन देन इन दैट केस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस, क्योंकि अपने डायरेक्शन को भी ये चेंज नहीं कर रहा है, तो आप x1 मान लीजिए या 0 मान लीजिए उससे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे t की वैल्यू 2 है, ये वैल्यू x हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा x, तो 0x, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t² / 2, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 60, कहां से कहां तक लिमिट है तो 0 टू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी x - 0, टी स्क्वायर है तो 2² - 0² -6 है तो 2 - 0, ये t की वैल्यू फिर 2 फिर -0, तो x ये कितना आ गया आपको, कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, नहीं नहीं नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं होगा है ना, यस, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर ऐसा फाइंड करना है तो नेगेटिव के टूवर्ड्स जा रहा है पार्टिकल, एक मिनट कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या मुझे, हाँ वेट समझा, गलत नहीं है, ये ऐसा है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, बताता हूँ क्या, ये 12 हो जाएगा तो x की वैल्यू -8, नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, इसको समझना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, मेथड यही, क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये x डिस्टेंस नहीं है डिस्प्लेसमेंट है, अब समझो इस चीज को, समझाता हूं मैं कुछ बोल के, v क्या है, v इक्वल्स टू 2t - 8, v इक्वल्स टू 2t - 8, हाँ, at t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी कितनी है -8, -8 का मतलब क्या है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, equals to zero पे velocity -8 मतलब पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में गया है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 8 मीटर हुआ है, तो -8 का मतलब इस डायरेक्शन में आया है, -8 का मतलब इस डायरेक्शन में आया है, आई बात समझ में, -8 का मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन में आया है, तो इस केस में डिस्टेंस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, डिस्टेंस 8 मीटर आ गया, -6 क्या 12 - 4 ना -8 आएगा, देखो एक बार है ना, इसका मतलब पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका डिस्टेंस कितना जाएगा 8 मीटर आ जाएगा, बात आई समझ में आपको, इसका डिस्टेंस 8 मीटर आ जाएगा, क्योंकि वो पार्टिकल इनिशियली वो नेगेटिव एक्स में जा रहा है इसीलिए माइनस आया है अपना, एक प्लस वाला देता हूँ क्वेश्चन, माइनस नहीं आएगा, तो v इक्वल्स टू मैं ऐसा लिख देता हूं, सिक्स माइनस 2t है ना, अब t इक्वल्स टू जीरो पे भी रहेगा तो 6 हो जाएगा, t इक्वल्स टू जीरो पे 6 हो जाएगा मतलब पार्टिकल पॉजिटिव x में जाएगा है ना, पॉजिटिव x में जाएगा, यहीं पे फाइंड करो, फाइंड द डिस्टेंस,
अरे आगे क्वेश्चन में आएगा ना, टाइम ढूंढने का फायदा क्या हुआ, आगे समझ में आएगा। अभी तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, आगे समझ में आएगा ढूंढने का फायदा क्या हुआ। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, इसमें आपको x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, है ना, 8 आ जाएगा। मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, इसलिए क्वेश्चन ऐसा ही है। तो 6 माइनस 2t है, तो 6 की वैल्यू क्या है, dx/dt, ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2t हो जाएगा। हाँ सही है, सही। अरे मैं देख बता देता हूँ, किसी को अगर डाउट आ रहा है कि -8 8 में क्या क्या डिफरेंस है, इक्वल्स टू 0 पे ये 0 मान लिया, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2t into dt हो जाएगा, है ना। तो यहां से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x ये कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 2t² / 2 हो जाएगा। अब बताओ मैं क्या करूं इसका, जीरो से टू डिस्टर्ब करने के लिए अब कुछ भी करेगा वो, 6 × 2 - 0, ये 2² - 0² तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = 12 - 4, ये वैल्यू हो जाएगी 8, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 8, है ना। सेम क्वेश्चन है बट कुछ चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सिर्फ टाइम चेंज कर रहा हूं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, कौन है, छोड़ देता हूँ इसको एक बार। फाइंड द, अगर कोई होगा तो बताना यार, किसी का फ्रेंड है क्या है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 4 seconds. First 4 seconds. अरे हटो नहीं, किसी का फ्रेंड है क्या ये, एक बार देखो, या ग्रुप में कोई मैसेज किया है क्या, ठीक है, रहने दो, फिर रहने दो, रहने दो। एट मीटर आ रहा है, दोनों आंसर 8 मीटर आ रहा है, दोनों का आंसर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 8 मीटर, फिर आंसर बताओ ना कितना आ रहा है, सबका 8 मीटर ही आज आंसर आएगा क्या, कुछ भी है रहने दो यार, अब बहुत हो गया। वेटिंग लॉग क्या करूं यार, अभी मेन देखो क्या होता है, नेट का प्रॉब्लम सबका होता है, जैसे कल मेरा हो रहा था, फोन गर्म हो जा रहा था तो नेट नहीं चल रहा, सबका होता है यार, अभी क्या इसमें लॉग करना है, बात यही है, नहीं तो लॉग तो कर ही देता हम 5 मिनट्स, स्टार्टिंग के 5 मिनट्स के बाद लॉक कर देता, बट यही सोचता हूँ कि हो सकता है जेन्युइन प्रॉब्लम है ये सब। आंसर बताइए आप लोग उसका, बस मैं भी वही सोच रहा हूँ, 17 मीटर 8 मीटर बोथ,
देखो यहाँ पे 6 माइनस 2t, तो सबसे पहले यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा क्या कि वेलोसिटी जीरो हुई या कितने टाइम के बाद वेलोसिटी जीरो होगी, किसके लिए? तो ये आएगा डिस्टेंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट लिखेंगे, 6 माइनस 2t था तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यहां से डायरेक्ट आएगा। डीएक्स इक्वल्स टू 6 माइनस 2t dt, तो यहां से t इक्वल्स टू जीरो पे, t इक्वल्स टू जीरो पे इसको जीरो मान लिया, t इक्वल्स टू t पे, t इक्वल्स टू कितने 4 सेकंड पे, ये x है, तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस जीरो इक्वल्स टू 60 माइनस 2t² / 2, ये हो जाएगा 0 to 4, है ना, 0 to 4 हो जाएगा। तो अब ये कितना आ गया, x x इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 6 × 4 - 0 - ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4² - 0। तो फर्स्ट जो आंसर आएगा तो ये 24 - 16, तो ये आ जाएगा 8 मीटर, कितना आएगा 8 मीटर। तो पहला तो सिंपल था, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था। अब सेकेंड में देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि v कब जीरो हो रहा है, तो v को जीरो कर दीजिए, ये कितना आएगा 6 - 2t = 0, तो 6 = 2t, तो t की वैल्यू 3, मतलब ये 3 मीटर पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, 3 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है समझो, पार्टिकल यहां से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, कुछ वेलोसिटी है इनिशियल, t इक्वल्स टू 0 पे यहां से मूव करेगा और t इक्वल्स टू 3 पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल जो है, अब देखो यहां से v क्या था आपका 6 - 2t था, 6 - 2t था, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो dv/dt कितना है, तो 0 - 2 - 2, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है पार्टिकल का, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है पार्टिकल का, है ना। अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है पार्टिकल का, मतलब जब ये पार्टिकल यहां पे रेस्ट में आएगा, किसी भी इंस्टेंट के लिए रेस्ट में आएगा, फिर एक्सेलरेशन इस साइड है, तो इस पार्टिकल को फिर से ये इस डायरेक्शन में मूव करा देगा, है ना, तो ये पार्टिकल ऐसा जाएगा फिर वापस आ जाएगा, तो कहां कितने सेकंड तक और मूव करेगा, तो 3 सेकंड तक यहां तक आया, फिर 1 सेकंड तक यहां पे आएगा, मान लीजिए t = 4 सेकंड पे ये यहां पे आएगा। इसका मतलब क्या है, लिमिट को कहां से कहां तक लगाना पड़ेगा, पहले 0 to 3 अलग, फिर 3 to 4 अलग, क्योंकि अगर डायरेक्ट तुम लिखोगे तो ये वाला टर्म नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव आता है ये वाला टर्म, डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना जो ये आया है नेगेटिव, लेकिन डिस्टेंस में नेगेटिव तो होगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस के लिए यहां से यहां तक अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा और यहां से यहां तक अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए चेक करते हैं, देख लेते हैं, मुझे आंसर पता नहीं कितना है, मैं भी सॉल्व ही करूंगा। तो यहां से डिस्टेंस कितना, v इक्वल्स टू क्या था 6 - 2t, तो v को आप क्या लिखेंगे, dx/dt, और ये हो जाएगा 6 - 2t, तो यहां से क्या आ जाएगा, dx इक्वल्स टू 6 - 2t dt, इंटीग्रेट करेंगे, बट आप ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to 0 to x, और ये हो जाएगा 6 - 2t dt 0 to 3 प्लस 3 to 4 6 - 2t dt, है ना। अब इसमें मॉड लगाना पड़ेगा, इसमें मॉड लगाना पड़ेगा, यही यहां पे भी लगा सकते हो, नेगेटिव तो आना है नहीं, ये हो जाएगा 60 - 2t² / 2, है ना। तो देखो ये वाली वैल्यू तुमको पॉजिटिव आएगी, ये वाली वैल्यू देखना तुम, नेगेटिव आ जाएगी ये वैल्यू, ये हो जाएगा 60 - 2t² / 2, ये कितना 0 to 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 से जाएगा, तो 6 × 3 - 3² है ना। अब देखो ये कितना आएगा, मॉड 4 - 3 - 2 से 2 जाएगा 4² - 3² मॉड लगा दो, ये कितना आ गया 18 - 9 प्लस ये कितना आ गया 1 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा -16 - 9, तो ये कितना आया आपको 9 आ जाएगा, प्लस ये देखो 6 16 - 9 कितना 7,
देखो माइनस वन आया ना, ये वैल्यू कितनी आई, माइनस वन है ना, ये वैल्यू कितनी आई माइनस वन, तो नाइन बट प्लस सही, प्लस प्लस ही आएगा, डिस्टेंस 10 मीटर हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 10 मीटर। क्योंकि देखो जैसे पार्टिकल, समझ लीजिए एक बार फिर से, इतना नहीं करना है, मैं इसका शॉर्टकट भी बता देता हूं, क्वेश्चन को देख के समझ में आएगा आपको। समझो पार्टिकल पहले यहां से यहां पे गया है ना, तो ये वाला तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जैसे पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होगा, ऐसा हो गया पार्टिकल, क्योंकि टी इक्वल्स टू जीरो पे यहाँ पे है, टी इक्वल्स टू थ्री सेकेंड पे यहाँ पे आ गया पार्टिकल, और टी इक्वल्स टू फोर सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये वाला जो डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में आया ना, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था याद है, टू टी माइनस सिक्स, ये पार्टिकल इस साइड, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, तो उस केस में ये वाला जो पार्ट आएगा इंटीग्रेट करके जो आएगा ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इसीलिए देख रहे हो ये वाला, ये यही डिस्टेंस है, थ्री टू फोर का जो, थ्री से जो फोर का आ रहा है पार्ट कितना आ रहा है, माइनस वन, नेगेटिव आ गया। बट डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव ना, डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां से यहां तक ऐड करना पड़ेगा, फिर यहां से यहां तक ऐड करना पड़ेगा, मतलब दिस प्लस दिस होगा, दिस प्लस दिस होगा, तो आपको अलग से इसको फाइंड करना पड़ेगा, फिर इसको अलग से फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन इस वाले में क्या करना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, मॉड, इसीलिए 10 मीटर आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में इतना नहीं करेंगे ये सब, इस क्वेश्चन में इतना ये सब नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है आपको, कि एक बार एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं कि एक्सप्रेशन देखा और इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, एक्सप्रेशन देखकर सिर्फ इंटीग्रेट नहीं करेंगे। आपको एक्सप्रेशन क्या था, देखिए यहां से एक्सप्रेशन था कैसा, तो v इक्वल्स टू सिक्स माइनस टू टी था, देख रहे हो ये क्या है, रिटार्डेड मोशन का एक्सप्रेशन है ना, यू माइनस जी टी टाइप का, g की वैल्यू कुछ है यहाँ पे मान लो, u माइनस ए टी टाइप का एक्सप्रेशन है ना, तो v इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं u माइनस ए टी, ऐसा मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 6 है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 6 है, एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन है ये, u प्लस ए टी लिखोगे तो ए की वैल्यू को माइनस टू लिखोगे, रिटार्ड कर रहा है आपको। यहाँ पे अगर टी का सिर्फ फंक्शन दिखा, टी का पावर वन, लीनियर टी के में टी का जो फंक्शन है, ये वी क्या है, वी इज अ वी, वो टी का फंक्शन है और टी में क्या है, लीनियर है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वन डी मोशन है, कैसा है, वन डी, तो वन डी में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, तो एक्सेलरेशन आ गया आपको माइनस टू, यू हो गया सिक्स, आपको पता है कि यहां से यहां जाएगा, टी इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ पे है, टी इक्वल्स टू थ्री पे यहाँ पे आएगा और फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा टी इक्वल्स टू फोर पे, तो इसका अलग से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं आप, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, सिक्स इंटू थ्री माइनस ए की वैल्यू टू बाई टू इंटू थ्री स्क्वायर, तो ये जाएगा, तो ये नाइन हो गया, फिर यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर ये इस डायरेक्शन में टू से एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका, इसको एस वन बोल दीजिए, इसको एस टू बोल दीजिए, तो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हाफ ए टी स्क्वायर, टी कितना होगा, वन सेकेंड होगा, तो वन आ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस एस वन प्लस एस टू हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस एस वन प्लस एस टू हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 10 मीटर आ जाएगा। तो एक बार चेक भी करना पड़ेगा, कहीं ये 1D तो नहीं है, कहीं ये 1D तो नहीं है, है ना, 1D होगा तो आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है, बाकी कोई भी मोशन है आप उससे तो सॉल्व कर ही सकते, आप उससे तो सॉल्व कर ही सकते, आ रही बात समझ में। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्या समझा आपको क्या नहीं समझा। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पॉइंट मूव्स इन मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अंडर रिटार्डेशन, अंडर रिटार्डेशन,
डेशन ए वी स्क्वायर, ए लिखो ना, अल्फा लिख दो इसको, ज्यादा बेटर है, अल्फा वी स्क्वायर, क्या ये अल्फा वी स्क्वायर है ना। इफ वी क्या है, वेलोसिटी, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज यू, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज यू, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, देन फाइंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टी सेकेंड्स, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन टू सेकेंड्स, इन टी सेकेंड, टू नहीं लिखो, टी सेकेंड्स, टी के टर्म्स में ही आंसर होता है। अल्फा वी स्क्वायर, अ पॉइंट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लाइन अंडर रिटार्डेशन, अल्फा, ऐसा ही है, अल्फा वी स्क्वायर, ऐसा लिखो। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज यू, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टी सेकेंड्स, इन टी सेकेंड्स, है ना। बताइए आप एक बार कितना आंसर आ रहा है। अरे वेरी गुड, सही है। कुछ का आंसर आ भी गया है, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, नंबर 14 क्वेश्चन क्या था आपका, रिटार्डेशन है तो ए को माइनस लिखना पड़ेगा, रिटार्डेशन लिख लीजिए एक बार क्या है, है ना, समझ लीजिए, कहीं पे कुछ डाउट्स आ रहा है एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछिए, हेजिटेट मत कीजिए प्लीज, है ना, ये तो फिर यू वुड बी इन लॉस। सबका आंसर आया क्या, देख लीजिए एक बार, मैच करा लीजिए, अल्फा भी स्क्वायर है ना, देख लेता हूं, तो अल्फा भी स्क्वायर है, तो सबसे पहले, अरे एक बार फिर से देख लो यार क्या है, देख लो, तो a इक्वल्स टू अल्फा बी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे आप, आपको s भी टाइम के टर्म्स में चाहिए तो इसको dv बाय dt लिख दीजिए, माइनस अल्फा बी स्क्वायर, v वाले टर्म्स को इस साइड, तो dv बाय v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस अल्फा dt, अल्फा कांस्टेंट है तो इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u है, t इक्वल्स टू 2 पे इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन v रेज टू माइनस 2 हो जाएगा, पहले लिख देता हूं मैं ऐसा, dv uv है माइनस अल्फा t हो जाएगा 0 to t, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी आपको, तो v raise to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, है ना, ये हो जाएगा v है और ये u है, ये कितना minus alpha t आ जाएगा, ये हो जाएगा minus, यहाँ पे ये हो जाएगा minus 1, है ना, ये हो जाएगा 1 by v, और ये v है और ये u है, minus alpha t, minus minus cancel out हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आया आपका 1 by v माइनस वन बाई यू इक्वल्स टू अल्फा टी, तो यहाँ से वन बाई वी की वैल्यू क्या आ गई आपको, वन बाई वी इज वन बाई यू प्लस
अल्फा टी, 1 by u प्लस अल्फा टी। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 by v, देखो u तो कांस्टेंट है, u वेरिएबल नहीं है, v वेरिएबल है, तो u 1 प्लस u अल्फा टी। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, v इक्वल्स टू u अपॉन 1 प्लस u अल्फा टी। तो v को क्या लिखेंगे आप, dx by dt, इतना u अपॉन 1 प्लस u अल्फा टी, है ना। तो यहां से उसकी साइड लिखना पड़ेगा मुझे, इस साइड लिख देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, dx को एक साइड, बाकी सब टर्म को एक साइड, u प्लस अल्फा टी dt। इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 टू x, 0 टू t, u कांस्टेंट है बाहर लिख दो, u कांस्टेंट बाहर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, dt 1 प्लस u अल्फा टी 0 टू t। आपको कुछ याद है, ये लीनियर फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन में क्या करते थे, लॉन आ जाता था, तो u लॉन जो भी आएगा 1 प्लस u अल्फा t, उस साइड लिखता हूं, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो यहां से क्या आ रहा है, dx by dt की वैल्यू क्या थी, तो u अपॉन 1 प्लस u अल्फा t, है ना। तो आप x वाले पार्ट को इस साइड, t वाले को इस साइड, तो dx u कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस u अल्फा t। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, t equals to 0, t equals to 0 पे ये 0 है, t equals to t पे ये x हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x 0 to x u, ये कितना आ जाएगा, ये लीनियर फंक्शन हो गया। तो आपको बताया था लीनियर केस में लॉन आ जाता है, तो लॉन 1 प्लस u अल्फा t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t, कोएफिशिएंट ऑफ t क्या है, u अल्फा, लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 to t, तो u वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, x minus 0 equals to 1 by alpha इंटू लॉन, ये कितना आ जाएगा, t की वैल्यू पुट कर दो, u अल्फा t माइनस लॉन 1 प्लस u अल्फा 0, t की वैल्यू 0, है ना। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, 1 बाय अल्फा लॉन 1 प्लस u अल्फा t, ये लॉन 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये लॉन 1 0 होता है, तो आपका आंसर कितना आया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई लॉन 1 प्लस u अल्फा t अपॉन अल्फा, है ना। आपकी वैल्यू ये हो जाएगी। सबको आई बात समझ में, देख लीजिए क्या है डाउट्स, एक बार पूछ लीजिए, देख लो यार। हाँ बता रहा हूँ, इतना समझा, रिटार्डेशन है तो माइनस आएगा, a इक्वल्स टू माइनस अल्फा वी स्क्वायर, तो a को क्या लिखेंगे, dv बाय dt लिखेंगे अपन, ये माइनस अल्फा वी स्क्वायर हो जाएगा। तो बताया है कि जब भी इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, वी स्क्वायर इस साइड आएगा, तो ऐसा बन जाएगा, सोनी को बोलो कि उसका कुछ आईडिया हुआ उस आईडी के साथ। यहां तक सबको समझा क्या, ये बताओ, इसमें किसी को यहां तक किसी को कोई डाउट्स, dx by dt equals to u upon 1 plus u alpha t, फिर लास्ट पेज क्यों बोल रहे थे। देखो यहां पे समझो, पहले आपको ये चीज बताया गया है इंटीग्रेशन में, आपको क्या बताया था मैंने कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax plus b dx होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉन मॉड ax plus b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x plus c, कुछ ऐसा बताया था फॉर्मूला, जमाना याद है वो, है ना, ऐसा बताया था। तो वही चीज है यहाँ पे, तो यहां से dx की वैल्यू क्या आ गई, dt by 1 plus u alpha t। तो ये कैसा फंक्शन है, t के टर्म्स में है, और ये कैसा फंक्शन है, लीनियर। तो जब भी डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन आएगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, लॉन में आएगा, तो u कांस्टेंट है बाहर लिख दीजिए, कितना आएगा, लॉन
वन प्लस यू एल्फा टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी, कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है यू एल्फा, तो यू से यू कैंसल आउट हो जाएगा तो वन बाई एल्फा, तो एक बार अपर लिमिट पुट करो टी की जगह पे तो क्या हो जाएगा लॉन वन प्लस यू एल्फा टी, फिर माइनस लॉन वन प्लस यू एल्फा जीरो। अब ऐसा नहीं कोई कर देगा, ध्यान से यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कर देगा कि सर इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ लॉन वन प्लस यू एल्फा टी माइनस जीरो, ऐसा नहीं करना है। अरे ये टी टी जो फंक्शन है वो किस लॉन के अंदर है, जैसे अगर e रेस टू x आता था तो इसको अगर लिमिट पुट करते 0 टू 1 तो क्या लिखते e रेस टू 1 माइनस e रेस टू 0 ना, ऐसा थोड़ी लिखते इसको e रेस टू 1 माइनस 0, ऐसा थोड़ी लिखते, ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, ऐसा आएगा। तो इसीलिए पहले क्या किया लॉन 1 प्लस u, अपर लिमिट t है तो t की जगह पे t पुट कर दिया, फिर माइनस, फिर लॉन 1 प्लस u अल्फा, t की जगह पे 0 है तो 0 पुट कर दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा ये तो लॉन वन बन जाएगा, तो लॉन वन की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, लॉन वन क्या होता है जीरो, तो ये जीरो हो गया, ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी लॉन वन प्लस यू अल्फा टी बाय अल्फा, यू अल्फा टी बाय अल्फा। क्लियर है, अभी भी कोई डाउट से बताइए आप। एक ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ तुम क्या करते हो। अरे ध्यान से ये सब बता, ये देखो ये सब स्टार्टिंग में बताया लॉन वन, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या लॉन एक्स रेस टू जीरो लिख सकते हो क्या, एक्स रेस टू जीरो लिख सकते हो ना यार, लॉन वन है एक्स रेस टू जीरो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे तो जीरो लॉन एक्स, जीरो लॉन एक्स, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। ये सब बताया है आपको, ये सब बताया है पेज नंबर 16 इधर आएगा। ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो कितना तुम लोग, नहीं नहीं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ नहीं यूज करेंगे, अभी वो सब डिस्कस ही नहीं किया है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है नहीं होता है, तो इसलिए वो सब यूज नहीं करेंगे। जितना बताया गया है अभी उतना ही काम करना है, खुद का कुछ नहीं यूज कर लेना है, आपने पहले पढ़ा है तो आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है तो वो कहां से यूज करेंगे, और मैंने बताया भी नहीं है। हाँ काइनेमेटिक्स टू में ज्यादा आएगा ये सब ये जो पढ़ रहे अपन काइनेमेटिक्स टू के स्टार्टिंग में ये सब है, ये अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपन ने पढ़ा है अभी कैलकुलस है ना, इसलिए अभी पढ़ के इसको कंप्लीट कर देंगे, ये वाला पार्ट ही कंप्लीट कर देंगे, ये नहीं कि आज पढ़ लिया कैलकुलस फिर आफ्टर 5 or 6 लेक्चर्स फिर से इसको, वो काम नहीं, एक बार समझ में आ रहा है क्लियर करके खत्म कर देंगे। काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है ना ये, एक्स की वैल्यू क्या है 3t-40, काइनेमेटिक्स 2 से होमवर्क भी दे दूंगा इससे मैं, काइनेमेटिक्स 2 बुकलेट अगर मेरे पास होगा तो मैं ग्रुप में सेंड करके इसका जहां पे भी आएगा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट उसका, हाँ इसका ये सॉल्व करने के लिए दूंगा होमवर्क, ऐसा नहीं कि ये पढ़ाया आज फिर होमवर्क बाद में, वो नहीं। ठीक है आप क्वेश्चन सॉल्व करो, बात इतना मुझे मत बात कराओ यार प्लीज। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, क्वेश्चन ऐसा बोला फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, पहला क्वेश्चन। सेकेंड एक सिंपल सा क्वेश्चन और भी दे देता हूँ, दोनों सिंपल सा क्वेश्चन का, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सही आ रहा है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। सही है, देख लेते एक बार,
तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट वाला क्या है एवरेज वेलोसिटी, तो अगर कुछ याद है आपको एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, x2 माइनस x1 अपॉन e2 माइनस t1, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। तो ये x2 मतलब क्या, x t की वैल्यू यहां पे कितनी होगी 4, तो x4 माइनस x2 अपॉन 4 माइनस 2, तो x4 मतलब इसमें वैल्यू पुट करना है, किसमें, इसमें वैल्यू पुट करना है t की वैल्यू 4 और इसमें वैल्यू पुट करना है t की वैल्यू 2, तो फर्स्ट वाला कितना आएगा 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, है ना, माइनस ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब अपॉन अपॉन 2, ये कितना आएगा आपको 12 माइनस 64 प्लस 64, ये कितना आएगा माइनस 6 माइनस ये कितना आएगा 16 प्लस 8 बाई 2, ये तो चला जाएगा, तो 12 माइनस ये कितना जाएगा 14 माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा बाई 2, फर्स्ट का आंसर कितना आएगा तो 7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर 7 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज है तो ऐसे फाइंड करेंगे आप, एवरेज है तो ऐसे फाइंड करेंगे। अब सेकेंड वाला तो यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, सेकेंड वाला तो सिंपल है, सॉल्व करने का मतलब भी नहीं है उसको, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी इंस्टेंटेनियस है, तो dx by dt ये कितना हो जाएगा d by dt हो जाएगा 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस t क्यूब, तो ये वैल्यू कितनी 3 माइनस 8t प्लस 3t क्यूब, तो 8t इक्वल्स टू 2 सेकंड इक्वल्स टू 3t स्क्वायर होगा ना सर, यस यस 3t स्क्वायर भाग यहां t equals to 2 second, v की वैल्यू कितनी 3 minus 8 into 2 plus 3 into 2 square, तो ये वैल्यू कितनी 3 minus 16 plus 12, minus 1 आ रहा है क्या, हाँ तो बस आंसर हो जाएगा minus 1, yes sir minus 1 meter per second, ठीक है, थोड़ा fast कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, अ पार्टिकल अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, 2D का क्वेश्चन है, इसी टाइप का 2D प्लेन एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, at certain instant of time, instant of time, vx is given as vx equals to 3 meter per second, vy is 4 meter per second, ax is 2 meter per second square and ay is 1 meter per second square, ye given hai, है ना, फाइंड द रेट ऑफ, चेंज ऑफ स्पीड, एट दिस मोमेंट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एट दिस मोमेंट,
कितना आया? रूट फाइव. रॉन्ग रॉन्ग आंसर. इस क्वेश्चन को है ना, देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, अगर कहीं पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, उसकी मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कहीं पे ऐसा है ना, इसका मतलब होता है डी बाई डी टी, और यहाँ पे स्पीड आएगा मतलब मॉड वी आएगा, यही मॉड वी स्पीड होता है, मॉड वी है. लेकिन कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. तो उस केस में ये आएगा, देख लो ध्यान से, dv by dt इसका मॉड आएगा, और ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही लिख दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड हटा दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही लिख दो, बट इसका आपको क्या चाहिए, ये जो वाला जो पार्ट है इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए. तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम नहीं होता है, आगे चल के समझ में आएगा क्यों सेम नहीं होता है. ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऐसे आएगा, स्पीड का मैग्नीट्यूड ऐसे आएगा, फिर उसको डिफरेंट, तो दोनों का रेट डिफरेंट है, दोनों का रेट क्या है, डिफरेंट है. आंसर 2 मीटर जिसका आ रहा है करेक्ट है, जिसका आंसर 2 मीटर आ रहा है करेक्ट है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो अपन सर्कुलर मोशन में थोड़ा अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे. तो यहां से देखो, सबसे पहले वेलोसिटी लिख दो, क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, है ना. तो ये आ जाएगा आपका वी एक्स ही रखो अभी, तो इसका मॉड कितना आ जाएगा, स्पीड कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. आपको रेट चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड चाहिए, है ना. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसको कुछ बोलते हैं अपन, अभी नहीं बात करेंगे इसके बारे में. ये हो जाएगा डी वी बाय डी टी, डी वी बाय डी टी, है ना. तो इसको मैं फिर से लिखता हूँ, डी वी बाय डी टी क्या है, पेज कितना आएगा, पेज नहीं, वो डी ए बाई डी टी जो होता है ना, डी वी बाई डी टी जर्क नहीं होता है, डी ए बाई डी टी जर्क होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ स्पीड. इसकी वैल्यू को मैं फिर से एक बार, डी वी बाय डी टी आ जाएगा. तो वी क्या आया आपका, ये अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये किसी भी टाइम की वेलोसिटी है, अपॉन डी टी, अपॉन dt. तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये पावर फंक्शन हो गया ना फिर, तो d by dt ये हो जाएगा vx plus vy square का, है ना. तो इसको आप कैसे लिखेंगे, फिर से ये फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको, तो मैं ऐसे बना देता हूँ, आप डायरेक्ट कर लेना सॉल्व, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा d vx square plus vy square, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा d vx square plus vy square upon dt. तो ये वैल्यू कितनी आ, 1/2, ये आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर रेज टू 1/2 माइनस 1. ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी वी एक्स स्क्वायर बाय डी टी प्लस डी वी वाई स्क्वायर बाय डी टी. तो ये कितना आएगा, 1/2, ये माइनस 1/2 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऐसा रूप में, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2vx into dvx by dt, समझा, ये 2vx into dvx by dt, नहीं समझा तो इसको ऐसे लिख दीजिए, d by dx into dvx by dt, ठीक है. जिसको अगर नहीं आया है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, तो dv square by dvy. अब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन इतना ऐसा बनेगा, मैं हर हर एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, इसको मैंने 1/2 भी लिखा है, ये सब भी चीज समझो, है ना, एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा ज्यादा दिख रहा है dv by dt. तो ये वैल्यू अब 1/2 vx square plus vy square,
तो ये कितना आ जाएगा आपका 2vx, dvx by dt क्या हो जाएगा ax, प्लस ये हो जाएगा 2vy, dvy by dt क्या हो जाएगा ay। वैल्यू पुट कर दीजिए आप, अब तो कुछ नहीं है, अब तो कुछ नहीं है। 2vx की वैल्यू कितनी थी 3, ax की वैल्यू कितनी है 2, प्लस 2, vy की वैल्यू कितनी है 4, ay की वैल्यू कितनी है 1, प्लस 2, ये हो जाएगा 3 square plus 4 square। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करेंगे आपको 2 आ जाएगा, 2 है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड। तो समझ में आ गया आपको कि अगर कहीं पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है उसका मतलब क्या है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो आप लिखते डीवी बाई डीटी, तो फिर आप डायरेक्ट आ जाता आंसर, आंसर डायरेक्ट आ जाता, इतना नहीं करना पड़ता अपने को। अब कुछ और बताता हूँ, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ, क्वेश्चन ही कर लेते, टाइम तो इतना है, एक क्वेश्चन ही कर लेते, आंसर बताना है ना क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। पेज नंबर 90, देख लो यहां से एक क्वेश्चन एक लिख लेते हैं अपन, द मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट इन अ रेजिस्टिंग मीडियम is described by the equation dv by dt equals to a minus dv, where a and b are constants, then first find the maximum velocity of particle, ये v जो है velocity है यहाँ पे। Second, initial acceleration of particle. Third, find the velocity of particle at any time, किसी भी टाइम पे भी बताना, मतलब आपको टाइम का फंक्शन बना देना है, बोलने का मतलब ये। सब SI यूनिट में है ना, सब जो है वो SI यूनिट में है। थर्ड का सही दिख रहा है, a by b, a वन माइनस e रेज टू माइनस a bt, माइनस bt। और सेकंड बताइए,
ध्यान से देखिए एक बार क्या लिख रहा हूं मैं। डीवी बाई डी टी इसकी वैल्यू क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बीवी है ना। तो ये क्या है, ए माइनस बीवी ये है क्या, एक्सेलरेशन है ना डीवी बाई डी टी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो बोलो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। याद है मैक्सिमा मिनिमा के लिए अगर आपको जो फाइंड करना पड़ता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करते हैं, जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते हैं, जीरो, जीरो कर दिया। तो यहां से क्या जाएगा, a माइनस बीवी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो यहां से a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, bv। तो v की वैल्यू क्या हो गई, a बाय बी। तो पहला यही v है, v क्या है, वेलोसिटी है, यही क्या है, v वेलोसिटी है, यही क्या हो गया, v मैक्स। कुछ फाइंड ही नहीं करना पड़ा, यहीं से आंसर आ गया आपको मीटर पर सेकंड, यहीं से v की वैल्यू आ गई। तो v ये हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए, अब एक्सेलरेशन क्या आ रहा है आपका, तो सेकेंड क्वेश्चन एक्सेलरेशन क्या है, a माइनस bv। अब ये बताओ अगर इसको इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो पुट कर दीजिए, हेंस इनिशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका, a आ जाएगा, इनिशियल एक्सेलरेशन आपका a आ जाएगा, ये a हो गया मीटर पर सेकंड। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अगर इस टाइप का आया तो समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्या है, dv by dt की वैल्यू क्या दी हुई है, a माइनस bv गिवन, a माइनस bv गिवन है ना। आपको वेलोसिटी चाहिए तो टाइम को इस साइड लेकर जाइए, टाइम को उस साइड लेकर जाइए है ना, तो टाइम को उस साइड लेकर जाएंगे तो आंसर आएगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन a माइनस bv इक्वल्स टू dt। कोई बताएगा क्यों आया ये v इस साइड, क्योंकि dv इस साइड है इसीलिए v का फंक्शन जो भी होगा सब इस साइड आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दीजिए, t इक्वल्स टू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, t इक्वल्स टू t पे इसकी वेलोसिटी को v मान लेते। देखो ये कैसा फंक्शन है, लीनियर, a माइनस bv लीनियर फंक्शन। तो क्या आएगा, लॉन a माइनस bv अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ v, कोएफिशिएंट ऑफ v क्या है, माइनस b, कोएफिशिएंट ऑफ v क्या है, माइनस b है ना। और ये क्या हो जाएगा, जीरो टू वी, और ये तो आपका t आ जाएगा। तो इसको इस साइड लाइए, तो लॉन a माइनस bv माइनस लॉन a माइनस जीरो इक्वल्स टू माइनस बी टी है ना। दूसरा में तो ये जीरो पुट करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ये क्या हो गया, लॉन a माइनस लॉन b, लॉन a माइनस लॉन b क्या होता है, लॉन a बाय बी, लॉन a माइनस लॉन b इज लॉन a बाय बी इक्वल्स टू माइनस बी टी है ना। अब लॉन को हटाएंगे, देखो लॉन क्या है, अगर लॉन x इक्वल्स टू t दिया हुआ है, ऐसे में बता रहा हूं, लॉन को हटाना है तो आपको पता है कि e रेस टू, अगर मैं लॉन कर दूं ऐसा है ना, e रेस टू t हो जाएगा। तो e log, ये तो क्या है, log x टू दी बेस ये है ना, तो ऐसा पता है कि यहाँ का अगर बेस और ये वाला सेम है तो डायरेक्ट x आ जाता है आंसर, तो लॉन हट जाएगा तो x इक्वल्स टू e रेस टू t हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या, लॉन a माइनस लॉन b, लॉन a माइनस लॉन b क्या होता है, लॉन a बाय b, लॉन a माइनस लॉन b बताया है ये सब, लॉन a बाय b, यस। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो अब e आएगा, तो मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a माइनस b b बाय a, मॉड भी हटा दीजिए क्योंकि वेलोसिटी नहीं चाहिए, तो e रेस टू माइनस bt हो जाएगा ये है ना। लॉन है तो ये हटेगा, तो इस साइड e रेस टू माइनस bt कैसे आया समझ में आना चाहिए, लॉन x इक्वल्स टू t है तो e ले लिया, e रेस टू लॉन x इक्वल्स टू e रेस टू t, तो ये लॉन है मतलब log x टू द बेस e है, तो ये सेम है, ये सेम है, तो इसकी वैल्यू x हो जाएगी, बताया हुआ है ये प्रॉपर्टीज ऑफ log में बताया है सब। तो अब ये तो सिंपल हो गया है ना, तो a माइनस bv इक्वल्स टू a e रेस टू माइनस bt, इसको इस साइड ले आइए तो a माइनस a e रेस टू माइनस bt इक्वल्स टू bv, तो a कॉमन आ जाएगा यहां से है ना,
बी इस साइड आ जाएगा तो ए बाय बी वन माइनस ई रेस टू माइनस बी टी इक्वल्स टू बी माइनस बी टी इक्वल्स टू, ठीक है। तो आपको इसी से रिलेटेड आपका जो ये है वो काइनेमेटिक्स टू में क्वेश्चन, ठीक है, वो किसमें है, काइनेमेटिक्स टू में वो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, तो देखता हूं मैं। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा, सबसे पहले नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, क्या नहीं समझा बोलो, ये नहीं समझा क्या, ये वाला पार्ट ये क्या नहीं समझा, ये नहीं समझा। देखो सबसे पहले आपको क्या है, आपको वेलोसिटी, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपको फाइंड करना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी, ये फाइंड करना है। तो आपको एक साइड वी लाना पड़ेगा, बाकी सब जो भी होगा उसको एक साइड देना पड़ेगा आपको, है ना। तो अब यहां से लॉन आ गया और इसी के अंदर वी है, तो मुझे वी चाहिए एक साइड, तो वी कैसे हटेगा, जब तक लॉन नहीं हटेगा तो वी नहीं आएगा आपको, तो लॉन हटाना पड़ेगा। तो लॉन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई का पावर लगाना पड़ेगा, ई रेस टू दिस इक्वल्स टू ई रेस, अरे दोनों साइड ई रेस टू आ गया कुछ, तो एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट तो नहीं होने वाला है ना यार। तो जैसे देखो लॉन एक्स इक्वल्स टू टी है, लॉन हटाना है आपको, क्या हटाना है, लॉन हटाना है, तो आपको दोनों साइड ई रेस टू समथिंग, ई रेस टू जो भी फंक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, ई रेस टू लॉन एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू टी, दोनों को ई का पावर बना दिया, दोनों को ई का पावर बना दिया। तो अब ये जो होता है ई, लॉन एक्स क्या है, लॉग एक्स टू द बेस ई, लॉग एक्स टू द बेस ई। अब देखो एक चीज आपको बताया है पहले कि अगर कुछ फंक्शन है ऐसा लॉग एक्स टू द, ऐसा है ए और ए का पावर है ये ए रेस टू लॉग एक्स टू द बेस ए, ऐसा है तो ये क्या होता है, लॉग हट के आंसर क्या आ जाता है, सिर्फ एक्स आ जाता है, सिर्फ क्या आ जाता है, एक्स। इसका मतलब अगर आपको लॉन हटाना है, लॉन का बेस क्या होता है ई, मतलब ई रेस टू समथिंग करना पड़ेगा, ई रेस टू दिस हो जाएगा और ई रेस टू दिस, तो यहां से क्या किया, ई रेस टू लॉन ए माइनस बी वी अपॉन ए इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस बी टी, तो लॉन हट जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा ए माइनस बी वी अपॉन ए इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस बी टी। अब इसको इस साइड लाइए, अब तो आंसर आ जाएगा, आई बात समझ में, अरे हाँ या ना, ठीक है, नहीं आया तो फिर क्वेश्चन में कभी डिस्कस कर लेंगे, उससे कोई ये नहीं है। देखो क्या है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, तो लास्ट लेक्चर में जो काइनेमेटिक्स का आपको होमवर्क दिया है वो तो आपका होमवर्क है ही, है ना, और काइनेमेटिक्स टू में देख लेंगे, अभी काइनेमेटिक्स टू को अभी छोड़ देता हूं मैं, कुछ ऐसा एक्सरसाइज फोर करना है किसका, कैलकुलस का, कैलकुलस का एक्सरसाइज फोर इसी पे बेस्ड है, कैलकुलस पे का एक्सरसाइज फोर आपका होमवर्क है, हाँ होमवर्क। तो एक्सरसाइज फोर और जो काइनेमेटिक्स वाला होमवर्क दिया हुआ है नेक्स्ट लेक्चर में उसका पहले डिस्कशन होगा, चाहे पूरा लेक्चर चला जाए उससे कोई मतलब नहीं, 1.5 आवर, लेकिन पूरा जितना क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज फोर किसका, एक्सरसाइज फोर कैलकुलस वाला, और जो पहले काइनेमेटिक्स का होमवर्क है उसको मैं पूरा, एक एक क्वेश्चन अगर नहीं आया है जो भी डाउट्स है उसको पूरा मैं पहले सॉल्व करूंगा, फिर जो है प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, क्लियर है, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हो गया तो फिर ये बैकलॉग बनता जाएगा जिससे नहीं सॉल्व हो रहा है अभी, तो वो नहीं चाहिए मुझे बैकलॉग, ये वाला नहीं चाहिए। तो आप प्लीज, किसी ने अगर सॉल्व नहीं किया है तो आज जाइए, कल संडे है, आराम से, है ना, देखिए संडे है कल, आराम से उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए सही डायरेक्शन में और सॉल्व कीजिए, आप जितना होमवर्क दिया है उसको एक बार होमवर्क कंप्लीट कीजिए ना, ध्यान रखो बाहर मत जाना, है ना, बाय, टेक